राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप में से ना बड़े सारे भक्तों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि दीदी, एकादशी से एक रात पहले क्या हम जल पी सकते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया कि निर्जला एकादशी में रात को 12 बजे के बाद क्या पानी ग्रहण कर सकते हैं? साथ ही के साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या निर्जला एकादशी में सुबह सुबह पानी ग्रहण कर सकते हैं? ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए देने वाली हूँ। साथ ही के साथ एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि दीदी, हम जल ग्रहण नहीं कर सकते, क्या हम खाना खा सकते हैं या फिर हम फ्रूट्स ग्रहण कर सकते हैं? खाना इन द फलाहारी भोजन, वो अलग खाने की मैं बात करूँ। तो आज की वीडियो उसी पे आधारित है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, निर्जला जिसमें जल का सेवन भी नहीं किया जाता, आप भोजन की बात कर रहे हो, भोजन में फ्रूट्स इत्यादि कुछ भी नहीं खा सकते, इस बात का ध्यान रखना है। निर्जला मतलब निर्जला ही होना चाहिए। आप पानी कब ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम 12 बजे के बाद पानी ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, सनातन धर्म में उदिया तिथि का बहुत महत्व होता है। ये जो 12 बज गए ना, तो ये डेट बदल गई। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो एकादशी है वो 19 तारीख की है। 18 तारीख को 12 बजे के बाद, 18 तारीख को रात को 12 बजे के बाद केवल और केवल डेट बदली है, तिथि नहीं बदली है। व्रत हम लोग कब रखते हैं? व्रत हम लोग तिथि के अनुसार रखते हैं, डेट के अनुसार नहीं रखते कि भाई एकादशी की तिथि कब पड़ रही है, ग्यारस कब पड़ रही है, तब हम व्रत रखते हैं। हम ये सोच के व्रत नहीं रखते कि भाई 19 तारीख को एकादशी का व्रत है, 19 डेट को एकादशी का, नहीं। एकादशी की तिथि मतलब दशमी युक्त तो नहीं है या फिर द्वादशी युक्त हो रही है, कौन सी एकादशी की तिथि अच्छी, तो हम जो व्रत रखते हैं वो तिथि के अनुसार रखते हैं। हम लोग व्रत डेट के अनुसार नहीं रखते हैं। हम लोगों को जो भी व्रत रखना चाहिए वो तिथि के अनुसार रखना चाहिए। तो रात को 12 बजे के बाद डेट बदलती है, तिथि नहीं बदलती है। तिथि कब बदलती है? जब ब्रह्म मुहूर्त के साथ जिस तिथि का उदय होता है, अर्थात सूर्य की पहली किरण के साथ जिस तिथि का उदय हुआ, वही तिथि मान्य होती है और वही तिथि पे व्रत रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त 4:45 पर लगभग होता है। समय देश परिस्थिति के अनुसार 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि सर्दियों में अलग समय होगा, गर्मियों में अलग समय होगा, बरसात में अलग समय होगा, बेसिकली इसके अराउंडिंग ही टाइम होता है। 4:45 के आसपास का ही जो टाइम है ना, वही होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप रात को 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलना है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग मुझे अपनी भेजिएगा, केवल अपने डेट, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, मंथ ऑफ ईयर, मंथ मतलब महीना और कौन से साल में पैदा हुआ, ये तीनों चीजें आपको मुझे भेजनी है। जिस तारीख को पैदा हुआ है, जिस महीने में पैदा हुआ है और जिस साल में पैदा हुआ है, तो आप अपनी कुंडली जो है वो मुझसे पूरी एनालाइज करा सकते हो कि आपको जॉब करनी है, आपको फ्यूचर क्या होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपकी शादी कब होने वाली है, आपका लक्की नंबर क्या है, आपका लक्की कलर क्या है, आपकी पूरी कुंडली इससे एनालाइज हो जाएगी, ठीक है। आपके घर का लक्की नंबर कौन सा होना चाहिए अगर ये भी बताना चाहते हो सकते हो। ये फ्री नहीं है, ये थोड़ा सा चार्ज है, लेकिन इसकी फीस है, ठीक है ना। कि आप बड़े सारे लोग मैसेज कर देते हैं, दीदी हमारी कुंडली बताओ, तो इसकी फीस होती है, क्योंकि ज्योतिष में जो भी कार्य किए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया जाता, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी फीस रखी है, लेकिन इसकी फीस है कि आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, ओरा क्लीन कैसे करना है, आगे आने वाला फ्यूचर आपका कैसे होना है, क्या आपकी कुंडली में राजयोग है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार, नंबरोलॉजी के अनुसार हमारी कुंडली में तीन राजयोग होते हैं, तीन में से कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में है, क्या आप नहीं है, शनि की दशा क्या है, ये सारी चीजें और उपाय भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। घर बनने के चांसेस कब तक है, शादी होने के चांसेस कब तक है, आपका रिलेशनशिप आपके बॉयफ्रेंड के साथ, आपके हस्बैंड के साथ कैसा चल रहा है, आगे कैसे चलेगा, उनसे शादी होगी या नहीं, ये सारी बातें मैं बताती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4:09:20:25 4:09:20:25 पे आप में से संपर्क कर सकते हैं और इसका थोड़ा सा चार्ज देके, लेकिन थोड़ी सी वेटिंग चलती है। तो चलिए, अपन से ही मैंने श्रीधाम वृंदावन के साधु संतों को भी देखा जो लोग ये करते हैं, मैंने बचपन से अपनी माता जी को भी देखा है, वो भी ये करती है और मैं भी यही करती हूँ। 3:30 बजे के आसपास हम लोग उठते हैं और नींबू डाल के और सिकंजी टाइप की बना लेते हैं, अर्थात नींबू के साथ चीनी डाल के पानी बना लेते हैं और वो पानी हम पी जाते हैं बहुत झिककर।
3:30 बजे के आसपास हम ये करते हैं, कभी कभी 4 बजे के आसपास भी ये करते हैं हम लोग। 4 बजे तक हम लोग मतलब 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग पानी का सेवन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 4 बजे वैसे ही हम फिर पानी का सेवन नहीं करते हैं। आप क्या दीदी दातुन भी नहीं कर सकते, कुल्ला भी नहीं कर सकते? तो नहीं, इसमें दातुन करने की भी मनाही होती है, इस व्रत में दातुन नहीं किया जाता। और व्रतों में दातुन कर सकते हैं लेकिन इस वाली एकादशी में दातुन नहीं किया जाता। तो क्या दीदी कुल्ला भी नहीं कर सकते? अपनी अंजलि के जितना मुंह में पानी भर के आपको बाहर थूकना होता है, कुछ इस प्रकार से कुल्ला करना होता है। हाँ, ये शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी अंजलि के अनुसार पानी आया गया है शास्त्रों में कि आपकी अंजलि में जितना जल आता है वो जल आप ग्रहण कर सकते हो और उसके बाद फिर आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। क्या दीदी पूरे दिन अगर हम जल ग्रहण नहीं करेंगे तो ये रोजा नहीं माना जाएगा? ये केवल आर्गुमेंट्स है, इस प्रकार का कोई भी ये रोजा नहीं होता, केवल और केवल ये आर्गुमेंट्स होती है। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो मैं पहले बोलूंगी, अगर कैपेसिटी नहीं है तो जब आप व्रत का संकल्प लेंगे, सुबह सुबह सबसे पहले आप लोग व्रत का संकल्प लेते हो, जब आप व्रत का संकल्प लेते हो तब आप उस व्रत के संकल्प में ये बोल दीजिएगा कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो ये मत बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ, मैं निर्जला एकादशी का, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप जो संकल्प लो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार ऐसे बोलते हैं संकल्प में, संकल्प में सुपारी लेते हैं, संकल्प में लौंग लेते हैं, 1 या 2 का सिक्का लेते हैं, उसके बाद अपना नाम बोलते हैं, उसका अपने बाद अपना गोत्र बोलते हैं। बिना संकल्प के एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प लेने की पूरी प्रतिक्रिया क्या है, अगर ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसकी पूरी प्रतिक्रिया भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। साथ ही साथ जब आप संकल्प लो तो आप ये रख सकते हो कि जब तक मुझसे रहा जाएगा मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी और जब मुझसे रहा नहीं जाएगा तो मैं जल पी लूंगी। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको साल की 24 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपने जल ग्रहण कर लिया तो कम से कम आपको 1 एकादशी के व्रत रखने का तो फल प्राप्त होगा ही होगा। कहते नहीं नथिंग टू समथिंग, जो पांडव थे उनमें से जो भीम थे उनके पेट में एक अग्नि थी जिससे वो भोजन बहुत ज्यादा करते थे, उनके सभी भाई भोजन ग्रहण करते एकादशी में व्रत रखते थे, द्रौपदी जी भी एकादशी में व्रत रखती थी, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा होती थी। उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि मेरे को बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि मेरे सारे भाई व्रती हैं, मेरे सारे भाई एकादशी पे खाना नहीं खाते, अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन ये कंबखत मेरे पेट में जो अग्नि है इसकी वजह से, जठराग्नि है इसकी वजह से मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं भूखा प्यासा नहीं रह सकता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कृपया करके गुरुवर ये बताइए। तो गुरुवर ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहे वचन उनसे बताए थे और उन वेदव्यास जी ने बोला था कि आप साल में आने वाली 1 एकादशी जिसको निर्जला एकादशी भी बोलते हैं इसका व्रत रख के 24 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस एकादशी जो है ये दर्शाती है कि हमारी जिंदगी में पानी का कितना महत्व है, इसलिए इसमें जल का भी त्याग करना होता है। भीम ने इस एकादशी का व्रत बड़े धूमधाम से किया, पूरे मतलब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि भीम एकादशी का व्रत रखने जा रहा है, निर्जला एकादशी का व्रत रखा। भीम ने पूरी धूमधाम से निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए इसको भीम सेनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसको पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसमें आप 12 बजे से लेके 4 बजे तक पानी का सेवन एनी हाउ कर सकते हो। तो और हाँ, गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे रखें, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना हम लोग कैसे करने चाहिए, व्रत बीच में टूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। व्रत अकबर कर लिया, फिर संकल्प ले लिया निर्जला, तो निर्जला ही होना है, ठीक है ना? इससे अच्छा संकल्प भी मत लीजिए। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है या आपका शरीर, आपको खुद ही पता है कि मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो ये वाला संकल्प मत लीजिए कि मैं निर्जला व्रत रखूंगी। आप संकल्प में ये बोलिए कि मैं निर्जला व्रत रखूंगी जब तक मेरी कैपेसिटी है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा हरि बोल।